हेडिंग डालना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पीएनसी इकलौता दिमाग वाला चैप्टर है जो मुझे लगता है मैथ्स में, जहाँ पर बच्चों को दिमाग लगाना है. ये इकलौता चैप्टर है जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को दिमाग, बाकी तो थोड़ा सा इसमें रटने वाला है और प्रैक्टिस है और इट्स अ काइंड ऑफ पजल, बट दिस इज द ओनली चैप्टर एंड इट विल लीड टू योर प्रोबेबिलिटी ऑल्सो. और यहीं से आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ में आएगी. अगर आपको आपका अगर पीएनसी ठीक है ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होने वाली है. अगर पीएनसी में गड़बड़ है तो प्रोबेबिलिटी बहुत रुलाएगा बेटा आपको, याद रखना. ठीक है, तो बहुत अच्छे से करेंगे हम, इवन बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे. अगेन आईआईटी एनडीए मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डालना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग पीएनसी बोलते हैं. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ मिथ्स हैं जो मैं बच्चों के क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में. बच्चों को यही समझ में नहीं आता सर कहाँ परम्यूटेशन लगाऊँ, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाऊँ, सर कहाँ NPR लिखना है, कहाँ NCR लिखना है. बच्चों को एक क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, तो समझना ही नहीं है. क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि समझना ही नहीं है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ. अच्छा, परम्यूटेशन का जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब क्या है बेटा, अरेंज करना. अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल चार बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन चार बच्चों को चार सीट्स में बिठाने के कितने तरीके हैं, मैं इनको कैसे अरेंज कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पर ये कैसे अरेंज हो सकते हैं, जैसे अभी ऐसे बैठे हुए हैं फिर अपने सीट्स को चेंज कर सकते हैं, तो कितने टोटल तरीके, दैट इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट. अच्छा, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू वन थिंग दैट सपोज इफ आई हैव टू सिलेक्ट अ टीम, हेयर वी हैव 8 स्टूडेंट्स विद अस, अगर मुझे तीन लोगों की टीम बनानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है. लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि अरेंजमेंट इज इटसेल्फ सिलेक्शन एंड देन अरेंज. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि परम्यूटेशन इज इटसेल्फ सिलेक्शन एंड देन हाउ, फॉर्मुलेटिव जाते हैं पहले. फॉर्मुलेटिव, सी हियर, लेट्स गो फॉर्मुलेटिव फर्स्ट. मैंने एक बकवास करी यहाँ पर, मैंने कहा कि भैया परम्यूटेशन इज इटसेल्फ सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, ये मैंने क्या बकवास करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, अच्छा, पांच लोगों को पांच जगह बिठाने के तरीके होते हैं, 5 factorial. सीधा पांच लोगों को पांच जगह बिठाने के तरीके होते हैं 5 factorial. ऐसे कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, परम्यूटेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मुलेटिव NPR, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स. द नंबर ऑफ वेज, इसको कैसे बोलूंगा मैं NPR को, डेफिनेशन कैसे बोलूंगा NPR को, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स. सपोज यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 8. 8 में से मुझे इन चार लोगों को अरेंज करना है. ठीक है, या सपोज ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, 8 सीट्स हैं, उन 8 सीट्स में मैं चार लोगों को कितने तरीके से बिठा सकता हूँ. अच्छा, NPR को अगर मैं फॉर्मुलेटिव बोलूंगा तो क्या होगा, दिस विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन, हाँ अच्छा बस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. NCR क्या देखा था आपने, NCR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर तो होता ही है, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल भी होता है. अच्छा, अगर मैं NCR को बोलूं, NCR इज नथिंग बट एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल की जगह मैं NPR लिख सकता हूँ, इंटू वन अपॉन आर फैक्टोरियल. अगर मैं यहाँ से NPR निकालो, NPR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NCR इंटू आर फैक्टोरियल. हाँ, इसमें कोई शक किसी को, NPR फॉर्मुलेटिव पढ़ रहे हैं, NPR इज नथिंग बट NCR इंटू आर फैक्टोरियल. सो NPR इज नथिंग बट अरेंजमेंट ना, सो अरेंजमेंट इज इटसेल्फ सिलेक्शन. ये क्या है, NCR का मतलब क्या है, N लोगों में से R लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर उन R लोगों को R जगहों में क्या करना है, अरेंज करना है. तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कहते हैं कि NPR का मतलब है, अरेंजमेंट का मतलब है कि फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन यू हैव टू अरेंज. तो आप कहीं पर भी NPR NCR लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे. हाँ, जहाँ पर सिर्फ आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा है वहाँ पर आप यू विल यूज़ दिस, और बाकी के क्वेश्चन में आप कहीं पर भी NPR लगा सकते हो. लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन में सर क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ, ऐसा इट्स अ मिथ बेसिकली. बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं. अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ, अगर पाँच लोगों को पांच जगह में बिठाना है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, 5P5. अच्छा, 5P5 को सॉल्व करता हूँ, दिस विल बी 5 factorial अपॉन 5 माइनस 5 factorial विल बी 0 factorial.
जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? वन. तो पांच लोगों को पांच जगह बिठाने के तरीके कितने होते हैं? फाइव फैक्टोरियल. चार लोगों को चार जगह बिठाने के तरीके कितने होंगे? फोर फैक्टोरियल. तीन लोगों को तीन जगह बिठाने के तरीके कितने होंगे? थ्री फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ एन वी हैव टू सेलेक्ट आर, एंड आर को आर जगह बिठाने के तरीके कितने हैं? आर फैक्टोरियल. इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ एन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? एट. आउट ऑफ एट आई हैव सेलेक्टेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स? फोर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ आई राइट, इसको अच्छे से समझना बेटा, ये समझने वाला चैप्टर है, ये फॉर्मूले वाला चैप्टर नहीं है, याद रखना. ये फॉर्मूला तो बाद में एज अ टूल काम आएगा, बट इसको समझना है. आठ बच्चे हैं, आठ में से मुझे चार बच्चों को क्या करना है? अरेंज करना है ना भाई. अरेंज करने के लिए भी अगर मैं बोलूँगा इन चार बच्चों को मैं चार सीट्स में अरेंज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा मैं? इन आठ में से उन चारों को उठाऊँगा तो सही? सिलेक्ट तो मुझे करना ही करना है. तो अरेंजमेंट इज इटसेल्फ सिलेक्शन, मानते नहीं मानते यार? मुझे चीज़ों को, बुक्स को मुझे क्या करना है? अरेंज करना. अभी भाई बुक्स अरेंज करने के लिए पहले निकाल तो सही बुक्स, वो जहाँ पर हैं वो उनको उनकी जगह से निकाल, तब अरेंज कर. तो अगर मुझे आठ में से चार लोगों को अरेंज करना है तो मैं पहले क्या करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? उन आठ में से चार को निकालूंगा, दैट इज सिलेक्शन, और तब उन चारों को अरेंज करूँगा. ये तो सीखा यहाँ से. तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि परम्यूटेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉम्बिनेशन इटसेल्फ, इन विच वी आर सिलेक्टिंग फर्स्ट एंड देन वी आर अरेंजिंग इट. तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि कहाँ पर एनपीआर लगाऊँ, कहाँ पर एनसीआर लगाऊँ. मैं वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. थोड़ा सा फॉर्मुलेटिव आपको बताना जरूरी था, तो पहले हम लोग परम्यूटेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो लिख लेना परम्यूटेशन, हेडिंग डालो परम्यूटेशन, लिखना इट लिटरली मीन्स अरेंजमेंट, लिखना इट लिटरली मीन्स अरेंजमेंट, हेडिंग डालना परम्यूटेशन. इट लिटरली मीन्स, अच्छा ये भी आपको मालूम होना चाहिए बेटा, दिस ऑल्सो यू शुड नो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल? वन. स्टार लगाता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो. तो इसमें एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं. ठीक है, लिखना परम्यूटेशन लिटरली मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट विच इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय ऐसे कर लेना, विच इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये ला फॉर्मूला लिख लो. n माइनस r. ठीक है, अच्छा और इसकी डेफिनेशन क्या है? अगले लाइन से डेफिनेशन भी लिख लो इसकी. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट कि वी हैव टू अरेंज r आउट ऑफ n. तो इसको क्या लिखेंगे? लिखना डेफिनेशन अगले लाइन से, लिखना द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स. परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट. द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taking r at a time is denoted by npr. ठीक है, अच्छा थोड़े से फॉर्मूले भी लिख लो. ये हरकत कर लो यहाँ तक. ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख लो कॉम्बिनेशन का, एंड देन इतना लिख लो, फिर मैं लिखाऊंगा कि परम्यूटेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ हमने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना. अच्छा एक और बच्चा नहीं आया आज, क्या नाम है उसका? हाँ एक बच्चा बैठो, देखो मेन क्लास है आज की बेटा. अब ये पूरा प्रोबेबिलिटी खींचेगा. आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ नहीं रहे हो, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. ये परम्यूटेशन ये कॉम्बिनेशन तो अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछता है.
मैं तो अभी सिर्फ एनडीए की बात कर रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन फॉर हायर एग्जाम सिविल सर्विसेज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सवाल आता है, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल जहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा दिमाग लगता है। अब आज एब्सेंट है, आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत होगी उसको, तो एक दिन भी एब्सेंट होना घातक हो सकता है आप लोगों। ठीक है, इतना कर लिया, इसमें लिख लेना परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एक लाइन लिख लो फिर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ब्रैकेट में लिखो अरेंजमेंट, परम्यूटेशन ब्रैकेट में लिखना अरेंजमेंट, कंप्राइजेस 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 कंप्राइजेस, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कंप्राइजेस कॉम्बिनेशन, ब्रैकेट में लिखना सिलेक्शन, कंप्राइजेस कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में लिखना सिलेक्शन, फर्स्ट फर्स्ट एंड देन अरेंजमेंट एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब भी क्या है बेटा, पहले मैं चुनूंगा ना तब अरेंज करूंगा। अरेंजमेंट का मतलब भी क्या है कि पहले आप चुन लो भैया, आठ लोग हैं, आठ लोगों को अगर आपने अरेंज करना है तो पहले जितने आप एट ए टाइम अरेंज कर रहे हो, अगर मैं चार कर रहा हूँ तो पहले चार को चुन लो फिर उनको अरेंज कर लो, जैसे भी करना है, ये अरेंजमेंट ये तो होता है। अच्छा, लेकिन बेटा अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना, इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट और नॉट, व्हाट डू यू फील, अरेंजमेंट में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं बात कर रहा हूँ कि अरेंजमेंट में क्या ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, है। सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटी सी बात सुन लो आप। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है सुन लेना, ये चार बच्चे हैं, इन चार बच्चों को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज एक ऑर्डर तो ये आपके सामने है, अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर लूँ और इसको यहाँ चेंज कर लूँ तो अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, वो एक दूसरा अरेंजमेंट आ गया। अगर मैं इसको यहाँ बैठा लूँ इसको यहाँ बैठा लूँ वो एक तीसरा अरेंजमेंट आ गया, वो करता नहीं है ग्लासेस से, वो सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, उसमें ऑर्डर क्या रखता है, अहमियत रखता है। लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर अहमियत रखता है, नहीं रखता। अगर मुझे चार लोगों की टीम बनानी है और उसको मैंने आगे खड़ा रख कर रखा है, उसके बाद इसको ले आऊँ, उसके बाद इसको ले आऊँ, फिर इसको ले आऊँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, या मैं इसको 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 इसको, है तो ये चार ही लोग। सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, ऑर्डर इज़ नॉट गिवन प्रेफरेंस, सिलेक्शन में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है बेटा। चार बच्चे मुझे अगर सेलेक्ट करने हैं, पहले मैं इसको कर लूँ सेलेक्ट, फिर इसको इसको, या पहले इसको फिर इसको, या इसको इसको, या है तो ये चार ही है, तो चार ही है। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या ऑर्डर इज नॉट गिवन प्रेफरेंस, बट इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना अगला पॉइंट, यह आया समझ में नहीं आया, लिखना ऑर्डर, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ परम्यूटेशन, इन द केस ऑफ परम्यूटेशन। And not in combination, and not in combination, and not in combination. Combination में हमें arrangement से या order से कोई मतलब नहीं है ना, combination का मतलब है selection, मुझे लोग select करने हैं, चार लोग चाहिए मुझे। अब चार लोगों को मैं आगे पीछे खड़ा करूँ, कैसे भी खड़ा करूँ, क्या मतलब है मुझे, अगर ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसको चाहे मैं बी सी डी ए बोलूँ, इसको चाहे मैं डी ए सी बी बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हैं तो चार ही लोग, कुछ अरेंजमेंट में, कुछ सिलेक्शन में फ़र्क पड़ा है तो चार ही लोग, हाँ अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ गया, यहाँ पर ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम लोग प्रेफरेंस सिर्फ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट में देते हैं, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन में नहीं देते। ठीक है, कोई शक, एक क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरुआत। ठीक है, लेट्स डू वन क्वेश्चन, मैथमेटिकल सिंपल। ठीक है, क्योंकि आप परम्यूटेशन सीखोगे क्वेश्चन से ही, कैसे आइडिया आएगा आपको, क्वेश्चन से ही आएगा। कैसे आएगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जनरली न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या दिया है क्वेश्चन लिखा, आपके एग्जाम में आया तो दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड आर इफ ऐसे दिया है, पी इन ब्रैकेट 5, R। अच्छा, मैंने कल आपको एक रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी ना, मैंने कहा था अगर आपको ऐसे दिया हो CN, R तो उसको मैं क्या लिखूंगा, NCR। उसी तरह अगर पी ब्रैकेट में N, R दिया तो उसको मैं लिखूंगा NPR। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, पी इन ब्रैकेट 5, R इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट, इट इज गिवन टू यू 6, R-1। ये आपको दिया है,
और आपसे बोला है फाइंड आर, ऑप्शन दिए हैं A9, B5, C4, D2. P5, R is equal to P6, R-1, this is given to you and और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड आर. ये बड़ा है, इसको एक बार खोलते हैं. अच्छा 1/5 R factorial is equal to 6/, अच्छा पहला टर्म आ जाएगा 7 R, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 7 R-1, 7 R-1 will be 6 R, 6 R, तीसरा टर्म आ जाएगा 6 R-1, that will be 5 R factorial. और इस 5 R factorial से ये कट जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपका, अल्टीमेटली आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 R into 6 R = 6. सॉल्व करो जल्दी, निकालो आर की वैल्यू क्या आ रही है, 4 और 9. बहुत अच्छे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और आर की वैल्यू आई 4, 9. यहाँ से बेटा एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको. सी क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 5 PR. अगर आप R की वैल्यू 9 लेते हो ना, तो बेटा R N से ऊपर जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. भाई मैं 8 लोगों में से 4 लोगों को तो सिलेक्ट करूँगा ना. अच्छा मैं 8 लोगों में से मैं 100 लोगों को अरेंज कर सकता हूँ. मेरे पास 8 लोग हैं लेकिन मुझे 100 लोगों को अरेंज करना है. तो आपने एक चीज़ क्या देखना है, NPR इज वैलिड ओनली व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू N. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. NPR तभी वैलिड है जब R की वैल्यू या तो N हो या तो उससे कम हो. हाँ पांच लोगों को अरेंज करना है, पांच ही लोग हैं, पांच में से पांच को अरेंज करना है, दैट आई कैन डू. पांच लोग हैं, पांच में से छह को कर लूंगा मैं अरेंज. तो ये जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा N से कम होगी, क्योंकि NPR का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ अरेंजिंग N टेकिंग R एट अ टाइम. ठीक है, तो मैं N में R ले रहा हूँ. ठीक है, तो N बड़ा होना चाहिए R से हर एक सिचुएशन में. तो यहाँ पर R की दो वैल्यूज आ रही है, 9 को आप नेगलेक्ट करोगे बेटा, हाँ तो 4 इज द राइट आंसर. तो 9 को नेगलेक्ट करोगे तो नीचे पॉइंट जरूर लिख लेना. NPR वैलिड होने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट R शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N. अच्छा नाउ वी हैव टू लर्न सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया कि आप काउंटिंग कैसे करोगे. जैसे हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेता हूँ. सपोज दो रोज हैं और 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं, 2 रोज 4 कॉलम्स, 4 2 8 बच्चे होंगे. सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, इसे हम कल देखेंगे. उसके अलावा आपसे नंबर ऑफ वेज पूछता है कभी. सपोज अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है वाया हरिद्वार, इफ़ आई हैव टू गो टू दिल्ली वाया हरिद्वार है ना, और फिर मुझे वापस आना है, तो व्हाट विल बी माय टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट ही मैं आस्क. तो उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट विल डू टुमारो. ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, आई हैव गिवन यू अ स्मॉल जिस्ट और अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन का लिटरल मीनिंग मैंने आपको बताया, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. ठीक है, उसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन करा हमने जो पूरा न्यूमेरिकली था, और वहाँ से एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया कि R की वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N. R हमेशा N से कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, इक्वल हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता. ज़्यादा होगा तो वो फिर वैलिड नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूँगा 5P10 निकालो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो लॉजिकली ठीक नहीं होगा. तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ना है. उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी सीखेंगे हम कि कैसे अरेंज करना है. ठीक है, और एक चीज़ तो हमें समझ में आई, अगर आपसे यही सवाल में क्वेश्चन पूछता है कि बेटा अगर पांच लोगों को पांच जगह में क्या करना है, अरेंज करना है, देर आर 5 places एंड आई हैव टू अरेंज 5 people इन दैट 5 places, देर आर 5 chairs और उनमें से मुझे कितने लोगों को बिठाना है, 5 लोगों को. तो डायरेक्टली मैं 5 factorial लिख लूँगा, 5 factorial लिखेंगे अब से हम ज़्यादा. बच्चा तो घुमा फिरा के ये भी कर सकता है कि सर पहले 5 चुनो, आप 5 में से 5 चुनो, फिर उनको अरेंज करो. तो 5 में से 5 चुनोगे, कितने तरीके हैं, 5 में से 5 चुनने का तरीका एक ही होता है भाई, 5 में से 5 ही को चुनना है मुझे. तरीका 5 से 5 will be 1 into 5 factorial, वही आ गया. तो हम डायरेक्टली ही करेंगे,
अगर कभी हमसे आएगा ऐसे पूछेगा कि हमें पांच में से पांच को ही अरेंज करना, तो डायरेक्टली विल राइट 5 फैक्टोरियल ओनली, ठीक है अब से। और उसके अलावा फिर कभी कभी ऐसे भी बोलता है, सपोज मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाऊंगा, सपोज यहाँ पर एक दो तीन चार लोग हैं और इन चार लोगों में हमें पांच लोगों को अरेंज करना है। अब पांच लोग हैं लेकिन सीट सिर्फ क्या है, चार है, तो कैसे अरेंज करोगे? तो ये होता है बॉक्स मेथड। आप उसको न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, न्यूमेरिकली भी यू कैन सॉल्व इट न्यूमेरिकली, ठीक है। एंड वी विल सॉल्व इट यूजिंग दिस डब्बा मेथड ऑल्सो। वाई दिस डब्बा मेथड इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली जाते हैं इससे सवाल आपके, ठीक है। तो पांच लोगों को यहाँ पर कैसे बिठाओगे आप, क्या तरीका है, ठीक है, वो हम देखेंगे कल, ठीक है, वेरी सिंपल। तो बहुत सारे डब्बे मेथड हम लोग कल देखेंगे एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल अरेंजमेंट्स। इवन वी विल फाइंड आर रैंक ऑल्सो, हमारे जो नाम की रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप मेरे नाम की रैंक निकालोगे, अपने नाम की घर पर निकालना, क्योंकि अगर अपने नाम की निकालोगे रैंक तो सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे और हमारे लिए बड़ा मुश्किल जाएगा टैली करना। तो आप मेरे नाम की रैंक निकालना कि मेरी रैंक अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगी, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब है, अगर मेरा नाम सूरज है, सूरज अगर इतने ही लेटर है और एक डिक्शनरी बनानी है, तो पहला क्या आएगा इसमें, पहला ए आएगा, पहला जो वर्ड क्या होगा उस डिक्शनरी का, पहला वर्ड क्या होगा, लेटर नहीं वर्ड, ए आएगा, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर से फिर जे आएगा, फिर आर, फिर एस, फिर यू, ये होगा पहला। तो मेरा नाम कब आएगा, क्या रैंक होगी मेरे नाम की, दैट वी हैव टू फाइंड। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। अगेन वी विल यूज दिस डब्बा मेथड ओनली इसको करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग रैंक निकाल के इस क्वेश्चन को, इस परम्यूटेशन चैप्टर को खत्म करेंगे। परम्यूटेशन चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा बेटा, वी विल यूज इट एज अ टूल इन प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं सीडीएस के बच्चों को परसेंटेज पढ़ाता हूँ, तो परसेंटेज का मतलब ये थोड़ा ना कि परसेंटेज पढ़ा के खत्म हो गया, नहीं, आगे वो मेंसुरेशन पढ़ते हैं, आगे वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, आगे वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। सब जगह किसका यूज है, परसेंटेज का। तो वैसे ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ टूल विच विल गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोबेबिलिटी।